सुप्रभात, आइए हम आपको पढ़ा रहे हैं आज व्याकरण। ठीक है, आप आज व्याकरण पढ़ेंगे। दो पाठ तक हम पढ़ा चुके हैं आपको, आज हम पाठ तीन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम किस प्रकार से लिखे हैं। सबसे पहले आप पाठ का नंबर लिखेंगे, फिर से पाठ का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ नया सब। यहाँ पे एक छोटा सा मोनोग्राम मैंने बनाया, आपको दिख रहा है, आप इसी तरह से बनाएंगे अपनी कॉपी में, फिर से इसको लिखेंगे। हम व्याकरण पढ़ा रहे इसलिए पाठ तीन का पहला शब्द है हमारा व्याकरण, वायर संयुक्त आकर कौर होना व्याकरण। व बड़ी नंबर एक वर्ण, अ अक्षर अक्षर, तलापे शब्द संयुक्त शब्द, चौमे आकार चंद्र बिंदु द चांद, प्र कौम्याकर्ता र प्रकार। आप इस प्रकार से आप पढ़ेंगे शब्द को, इससे आपका उच्चारण भी अच्छा हो जाएगा, आपको पढ़ने भी आ जाएगा। फिर से हम पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको पता है कि इसे हम दो बार देख के लिखेंगे अपने कॉपी में। अब आपको पढ़ा रहे हैं शब्द, हमारे पाठ का नाम है शब्द, आपको बताए भी है, फिर से हम बता रहे हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर देके ऊपर में लिखेंगे प्रश्न उत्तर लिखें, ठीक है, प्रश्न उत्तर लिखें। आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आप ये कठिन शब्द लिखने के बाद उसके नीचे लिखेंगे प्रश्न उत्तर लिखें। और फिर से हम आपको बता रहे हैं कि शब्द किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है कि शब्द किसे कहते हैं। अभी आपको हम पढ़ाए नया शब्द, अब हम आपको पढ़ाएंगे क्या शब्द किसे कहते हैं। हम आपको बताए थे कि हम बताने जा रहे हैं आपको शब्द किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे क जोर म जोर ल कमल, यहाँ आप कमल देख रहे हैं, मैंने कमल लिखा है यहाँ पे, और यहाँ मैं कमल का चित्र भी मैंने बनाया है। इस प्रकार से आप बनाएंगे। फिर है यहाँ पे ज जोर ग जग, जग भी क्या है, हमारा शब्द है, यहाँ जग है और यहाँ पे जग का चित्र है। तो शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल। हम यदि ल म क लिख रहे हैं तो ये हमारा वर्ण है, लेकिन ये सार्थक मेल नहीं है, इसीलिए ये सही शब्द नहीं है, लमक का कोई अर्थ नहीं होता है, सार्थक में सही अर्थ। तो हम बताएं दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे क जोर म जोर ल कमल है यहाँ पे, फिर ज जोर ग जग है, फिर हम आपको बताएंगे कि आप फिर हम आपको बताएंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द अभी आपकी जानकारी के लिए सिर्फ शब्द दो प्रकार के ही होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। जब हम आपको बताने जाएंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द किसे कहते हैं ये बता दिए, अब आपको हम बता रहे हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी आपकी जानकारी के लिए, आप छोटी कक्षा में, इसलिए आपको इतना ही जानकारी लेना है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द एक निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द मतलब क्या, सार्थक मतलब सही अर्थ वाले शब्द। जैसे हमारा जो शब्द है घर और घर, तो ये हमारा सार्थक शब्द है, इसको हम घर को सार्थक कहेंगे। और फिर इसी घर को यदि आप रघ और रघ लिख रहे हैं तो रघ का कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए इसे हम निरर्थक शब्द कहेंगे। इसी प्रकार से कमल, हम कमल का अर्थ होता है, कमल एक फूल है ये आप जानते हैं जो कीचड़ में खिलता है, और कमल का मतलब आप समझ रहे हैं कि कमल
है। और इसी को यदि हम लकम लिखते हैं तो ये बिना अर्थ का शब्द है। तो ये तो आपको समझ में आया कि ये सार्थक शब्द है, इसे हम सार्थक शब्द कहेंगे, ये आप समझ रहे हैं। और फिर वहीं पे ये हमारा निरर्थक शब्द है। तो सार्थक सही अर्थ वाले शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं, और निरर्थक जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। शब्द तो है ये, लेकिन इसका कोई सही अर्थ नहीं है। कमल मीन्स फूल, और यहाँ पर देखिए लकम, लकम का अर्थ क्या होता है ये भी आप भी जानते हैं कि लकम का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। चलिए, शब्द दो प्रकार के होते हैं, और एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि सार्थक किसे कहते हैं और निरर्थक किसे कहते हैं। अब आइए हम वर्णों में मात्रा जोड़ के शब्द बना रहे हैं। शार शी का शी, तम्या का तार, सितार। यहाँ पे देखिए सितार का भी अर्थ होता है, तो ये सार्थक शब्द है। मौ जोड़, छ जोड़, लौ दिली का ली, मछली। चौर सी का ची, रौ सी का री, यम्या का या, चिड़िया। खर सी का की, लम्या का लौ, नम्या का ना, खिलौना। गम्या का गा, जर रा गाजर। ये सब हमारा सार्थक शब्द है, ये सभी के अर्थ होते हैं, इसीलिए इन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। आप अपने कॉपी में जो हम बताए हैं इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये लिख लेंगे। उससे पहले आप जो मैंने जो नया शब्द दिखाया था वो भी आप लिख देंगे। और आप यदि शब्द समझ गए होंगे तो आप इसे याद भी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। शब्द समझ गए आप, अब दूसरे दिन हम अगले चैप्टर को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।